आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी सिलेबस में। और देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी आ रखी हैं प्राइमरी टीचर की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की और टीजीटी की, टीजीटी पीजीटी पीआरटी की। तो इसमें कई सारे बच्चों को कई सारे डाउट्स हैं, ठीक है। बहुत से मैंने कल ये वीडियो बनाया था, मैंने देखा कि करीब करीब 60-70 के आसपास कमेंट आ रखी हैं और नॉर्मली सबकी मैचिंग की कमेंट है। तो मैंने एक ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी सारी तकलीफें जो है ना दूर हो जाएं। जो बच्चों को सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही है वो ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, जैसे ही आप रिटन एग्जाम देंगे आपका इंटरव्यू हो जाएगा और आपका जो है ना स्किल टेस्ट हो जाएगा, फिर हमें जॉब मिल जाएगी। जी नहीं, ऐसा इसमें नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलग है। कैसा है, जैसे कि मैं आपको सीधे तौर पर समझाता हूँ। जैसे कि आप टेट का एग्जाम देते हो, ठीक है, ये आपका एक सर्टिफिकेट है कि आप जो है ना पढ़ा लेते हो, ठीक है। इसके बाद जब भी गवर्नमेंट में वैकेंसी आती तब आप उसमें फॉर्म डालते हो और तब आपका ये सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ठीक है। टेट क्वालिफाई करना ये इस बात की गारंटी नहीं कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी। उसी तरह इसमें है, अगर आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाना है तो आपको ये वाला एग्जाम देना ही देना है। इसके तहत क्या होगा, जैसे टेट का सर्टिफिकेट मिलता है या सी टेट का सर्टिफिकेट मिलता है, उसी तरह इसमें एक मिलता है स्कोर कार्ड। अब उस स्कोर कार्ड की जो आपके पास है उसी के बेस पर आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल, जो भी ऑल ओवर इंडिया में टोटल 137 है शायद, ये देखिए टोटल 137 आर्मी पब्लिक स्कूल वेरियस मिलिट्री स्टेशन अक्रॉस इंडिया। तो जब भी ये अपनी वैकेंसी निकालते हैं तब आपको स्कोर कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको इन स्कूलों में पढ़ाना है तो आपको ये टेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। टोटल 137 एक काफ़ी सारी संख्या में हो जाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली इसमें 8000 टीचर्स की अभी स्कैरसिटी है, मतलब कि कमी है। तो 8000 टीचर की वैकेंसी मतलब भरी जाने वाली है। लास्ट ईयर भी सेम इनका आया था तो टीचर की वैकेंसी खाली, इसलिए लोग अपना निकाल रहे हैं, बच्चे इसमें एग्जाम दे रहे हैं, अपना स्कोर कार्ड रख रहे हैं। और जब भी इसमें वैकेंसी आएगी आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे, स्कूलों में जब भी आएगी आर्मी पब्लिक स्कूल की, जो भी आपका नज़दीक का है आप उसमें आवेदन करना। और उसके लिए आपको पता कैसे चलेगा वो भी मैं नीचे बताऊंगा। तो आप मोटी बात समझ गए होंगे कि एग्जाम देने से ये जरूरी नहीं कि आपको तुरंत नौकरी मिल ही जाएगी, ठीक है। जब भी आपके आसपास के स्कूलों में वैकेंसी आए आप उसमें फॉर्म डालेंगे, आप अपना स्कोर कार्ड उन्हें दिखाएंगे, ठीक है। और फिर और भी बच्चे जो आपके कंपटीशन में आएगा, अगर आपका बेहतरीन स्कोर होता है स्कोर कार्ड में तो आपको ले लिया जाएगा। ये इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर है, मोटा मोटा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ और कई सारी समस्याएं हैं बच्चों के पास में। ये देखिए स्टेज वन आपका है स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन और इसी के बेस पर आपको मिलेगा स्कोर कार्ड, ए स्कोर कार्ड, ठीक है। स्कोर कार्ड क्या होता है, एक तरह का उसमें लिखा होगा आपका नाम, पिताजी का नाम, आपने कितने नंबर पाए हैं, कुल मिला के आपके नंबर्स वगैरह लिखे होंगे स्क्रीनिंग एग्जाम जो कि ऑनलाइन होगा। दूसरा, बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है कि ये सर जी हिंदी में एग्जाम होगा या अंग्रेजी में। तो देखिए नोटिफिकेशन में इन्होंने कहीं नहीं मेंशन किया है कि हम हिंदी में लेंगे या अंग्रेजी में लेंगे, तो इसके लिए आपको इनके ओल्ड पेपर्स वगैरह देखने पड़ेंगे तब आपको इसकी जानकारी हो पाएगी। मैं वो आपको नीचे बताऊंगा, लेकिन जनरली इनके जो भी आर्मी के एग्जाम होते हैं वो सब इंग्लिश में होते हैं, इंग्लिश में, ठीक है। तो मेरी समझ से ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता बट मोर लाइकली टू बी इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये बात हो गई। और देखते हैं बच्चों को कई सारे और समस्याएं हैं, यहीं पर हम दूर करेंगे कि सबके लिए अलग अलग फॉर्म भरना नहीं भरना, दो तीन फॉर्म भर दें कि ना भर दें, ये सब भी बताने वाले हैं। आगे देखते हैं हम, तो ये बात हो गई, आपको स्कोर कार्ड यहां से मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर लिख रखा है इन्होंने, प्लीज नोट दैट होल्डिंग ए स्कोर कार्ड बाई इट सेल्फ डज नॉट इंटाइटल यू एन अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल। कहने का मतलब अगर आपको स्कोर कार्ड मिल जाता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको जो है ना नौकरी मिल जाएगी, आप जो है ना टीचर बना दिए जाएंगे, ठीक है। ये तब होगा, इट ओनली रेंडर्स एलिजिबल फॉर सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर। मतलब ये सिर्फ इसके लिए कि आप सेकेंड स्टेज में पहुंच जाएं और आप थर्ड स्टेज में पहुंच जाएं, ठीक है। इंटरव्यू, अब ये क्या होगा, जिस स्कूल में वैकेंसी आएगी वो लोग निकालेंगे कि भाई हमारे यहाँ पर पीआरटी की इतनी वैकेंसी है, टीजीटी की इतनी या पीजीटी की इतनी वैकेंसी है, वो निकालेंगे कैसे, आपको पता कैसे चलेगा। देखिए लाइक लोकल न्यूज़पेपर और स्कूल की वेबसाइट या नोटिस बोर्ड वगैरह, स्कूल के जो नोटिस बोर्ड हैं, तो ये तीन ऐसी तरह हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपके नज़दीकी आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी आ रखी है। एक तो लोकल न्यूज़पेपर और जो है ना उस स्कूल की वेबसाइट को आप विजिट करते रहिए और उस स्कूल के नोटिस बोर्ड को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, तो इस तरह आपको जो ना पता लगेगा, फिर आप अपना स्कोर कार्ड लेके अपना फॉर्म वगैरह भर के आप इसमें इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपका इंटरव्यू होगा फिर आपका टीचिंग स्किल्स ये लोग देखेंगे और कंप्यूटर प्रोफेंसी देखेंगे, अगर है आपके पास तो आपको जो है ना भर्ती कर लिया जाएगा आर्मी पब्लिक स्कूल में।
ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर था, ठीक है। और जो इसके स्टेज आपकी 2 और 3 है, ये आपको जो ना स्कूल का जो मैनेजमेंट है वही सारा का सारा ये प्रोसीजर कराएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कि इसके बारे में बता दिया है, 19 से 20 अक्टूबर को होने वाला, ऑल ओवर इंडिया का होने वाला है। और अब इसकी हम मूलभूत चीज़ें हम सारी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अब इसकी कुछ और ज़रूरी बातें आपको बताना चाहूँगा। ये जो मैं आपको प्रिंटआउट दिखा रहा हूँ, ये मैंने आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से, जहाँ से ये वैकेंसी आउट हुई है उससे लिया है। तो देखिए, आप जो है ना एक ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ पर इन्होंने लिख भी रखा है, फॉर वन पोस्ट ओनली, या फिर आप पीजीटी के लिए भरो, या आप टीजीटी के लिए भरो, या पीआरटी के लिए भरो, आप कई सारे नहीं भर सकते हैं। अगर आप मोर देन वन पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाइड किया तो आपका कैंसल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपको कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, एक ही फॉर्म भरिएगा चाहे जिसका भरो, और इसमें कोई सुधार का मौका आपको नहीं मिलेगा। एक बार जो आपने भर दिया तो भर दिया, इसमें कोई करेक्शन का कोई टाइमिंग नहीं है। तो 10 बार देख लीजिएगा, फिर 11वीं बार में फाइनल सबमिट करिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसके जो है ना सैंपल पेपर्स देखने कैसे आते हैं, तो क्लिक हियर टू बाई सैंपल क्वेश्चंस पेपर, ठीक है। तो आप जो है ना इसकी वेबसाइट में आपको नीचे बताऊंगा, नीचे लिंक दे दूंगा, या फिर मैं इनकी वेबसाइट पर जाकर आप जो है ना यहाँ पर क्लिक करके 100 रुपये एक सैंपल पेपर आपको मिलेगा 100 रुपये का। तो इनकी वेबसाइट पर जाकर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पैसे कटवा के आप इनका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये अंग्रेजी में आएगा या हिंदी में आएगा, बट बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि ये अंग्रेजी में आएगा। अगर देखो कोई बच्चा ये जो है ना 100 रुपये दे के डाउनलोड करता है, तो एक बार कमेंट जरूर कर दे पेपर अपना पीडीएफ देख के कि सर जी जो है ना ये इंग्लिश में आ रहा है या हिंदी में आ रहा है, तो ताकि बाकी सारे बच्चों को पता चल जाएगा। तो जो भी कमेंट करेगा कि ये मैंने पेपर में देखा अंग्रेजी में आया हिंदी में आया, तो मैं उसकी कमेंट को हाईलाइट कर दूंगा, वो कमेंट ऊपर आएगी सबसे ऊपर, तो इस तरह सारे बच्चों को पता चल जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, शायद कुछ और जानकारी आपके लिए मैंने रखी हो, और कुछ खास नहीं है ये, इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एडमिट कार्ड आपके जो है ना 4 तारीख से आने लगेंगे, 19-20 को आपका एग्जाम है और 30 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यही है, APS करके है, मैं नीचे लिंक दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख पाएंगे इस चीज़ को। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।